अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमज़ा फूड दीना। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं आलू कोफ्ते। बनाना बहुत ही आसान है और ये बड़े ही मज़े के बनते हैं। आइए देखते हैं आलू कोफ्ते कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की अच्छी सी रेसिपी का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। आगे चल के देखते हैं। हमने आधा किलो कीमा ले लिया है, एक प्याली बेसन, एक अंडा, आलू, हरी मिर्च, प्याज, नमक, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला, सुर्ख मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। अभी हम इसमें बेसन डाल देंगे, प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक, गरम मसाला, सूखा धनिया, सिर्फ में सब डाल देंगे। एक अदद अंडा। अभी हम इन सबको मिक्स कर देंगे। इसी तरह और इसे मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अभी हम अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। और अभी हम इसके कोफ्ते बना लेंगे छोटे छोटे। इसी तरह आपने सारे बना लेने हैं। अभी हमारे सारे कोफ्ते बन चुके हैं। अभी हम इनको फ्राई कर लेंगे। अभी हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अभी हम इनको फ्राई कर लेंगे। एक एक करके डाल देने हैं आपने, साइडों से डाल लें। इनका रंग ब्राउन हो गया है। अभी हम इनको बाहर निकाल लेंगे। मसाला बना लेंगे और इसमें हम प्याज डाल देंगे और लहसुन का पेस्ट। अभी हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है तब तक हम इसे ढक्कन बंद कर देंगे। अभी हमारा प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें टमाटर डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है। सूखा धनिया, नमक, सब्ज मिर्च और हल्दी डाल देंगे। हम इसमें हरी मिर्च और आलू डाल देंगे। अभी हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से, हमारे आलू कच्चे ना रह जाए। हमारे आलू पक चुके हैं। अभी हम इसमें पानी डाल देंगे एक गिलास।
एक और गुलाब डाल देंगे। अभी हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। और इसके बाद गरम मसाला डाल देंगे इसके ऊपर। और अभी हम इसे कुछ देर के लिए ढककर रख देंगे। कोफ्ते अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे आलू कोफ्ते कितनी ही अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।